वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन तंदूरी, एकदम मार्केट स्टाइल बनाएंगे, जो कि होता है अंदर से एकदम से जूसी सा होता है और ऊपर से होता है एकदम क्रंची सा, थोड़ा सा क्रंची होता है, बटरली होता है और माउथ वाटरिंग होता है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आप देखेंगे इसको बनाना कितना आसान है, एकदम झटपट से रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देरी के इस चिकन तंदूरी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लेग पीस लिए हैं, 4 लेग पीस लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर होल चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं या अपने पसंद के पीसेस ले लीजिए चिकन में, आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ लेग पीस लिए हैं और उसको बूचर से कह के इस तरह से मैंने गहरे गहरे से कट लगवा लिए हैं। आप चाहें तो उसको घर में भी कट लगा सकते हैं। और ऐसा करने से जो हम मैरिनेट करेंगे ना, इसे उसका मसाला इसमें बहुत अच्छे से जाएगा। तो अब हम बनाते हैं इसकी मैरिनेशन का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया, एक बोल ले लिया है और उसमें डालेंगे हम हंग कर्ड। मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच एकदम हंग कर्ड का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल दही लिया, उसको छन्नी में रख दिया, इससे उसका पानी सारा निकल गया। और अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैंने भुना हुआ यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला। ये मेरा होममेड है और गर्म मसाला भी मेरा होममेड है, इसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, इसके डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच डालेंगे नमक का, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम वाइट पेपर पाउडर, ये मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और इसके साथ ही डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का डालेंगे, उसको हाथों से इस तरह से क्रश करके डालिए। इसके डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और 1/2 बड़ा चम्मच डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट, 1/2 बड़ा चम्मच डालेंगे अदरक का पेस्ट और इसके साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे नींबू का रस। और नींबू का रस डालने से तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए आप इसमें। तो ये नींबू का रस इसमें हमने डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। तो बहुत अच्छे से इसको आप मिक्स कीजिए और ये देख रहे हैं सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई और ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है अभी। तो ये जब हम इसको चिकन पे लगाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है पानी का। और पानी डालने के बाद में इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच बटर का यूज़ किया है मैंने। आप बटर की जगह चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है बटर डालने से टेस्ट कितना औसम आता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। तो बटर डाल के भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे चिकन और चिकन को बहुत अच्छे से हमें मैरिनेट करना है इसमें, बहुत अच्छे से हमें चिकन की एक मसासी कर देनी है। और जो गैशेज हमने लगाए थे ना चिकन पे, इस पर जो कट लगवाए थे उसके अंदर तक हम इस मसाले को अच्छे से लगा देंगे, जैसे जब इसको हम तोड़ें तो इसमें अंदर तक टेस्ट आए, एकदम से फीका फीका सा नहीं लगे। तो इसलिए ये चीज़ इसका ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथों पे थोड़ा सा इस तरह से इसके मैरिनेशन का मसाला लीजिए और अंदर तक इसको फिल कर दीजिए बस। और देखिए, और ऊपर से ऐसे मसाज कर दीजिए चिकन के। और ये देखिए चिकन में बहुत अच्छे से हमने मैरिनेशन का सारा सामान लगा दिया है। और अब इसको हमें कवर करके हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने टाइम के लिए रखती हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख दीजिए, लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन वही है ना कि जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे उतने ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा। तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। और ये देखिए तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम देखते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन मैरिनेट हुआ है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन ले लिया है और उसके अंदर हम डालेंगे सिर्फ 2 बड़े चम्मच ऑयल के डालेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑयल गर्म हो चुका है। और इसमें हम चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। फ्लेम हम रखेंगे हाई पर और हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। अभी आप लो फ्लेम पर इसको बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अगर आपने अभी से इसको लो फ्लेम पर कर दिया तो ये पानी रिलीज़ कर देगा और बिल्कुल एकदम ग्रेवी सी इसकी बन जाएगी और सारा मसाला ये निकाल देगा अपने अंदर से, सब छोड़ देगा मसाला। तो उसके लिए इसको अभी हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे एक तरफ से। और जब एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगा, जिसमें तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, तो उसको इस तरह से हम टर्न कर देंगे।
और दूसरी तरफ से भी हम इसको हाई फ्लेम पे अभी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब इसको घुमा घुमा के हम चारों तरफ से अच्छे से इस पर कलर लाने तक फ्राई करेंगे। और फ्लेम हमने अभी भी मीडियम टू हाई के बीच में कर रखी है। और जब आपको लगे कि इसमें चारों तरफ से गोल्डन मार्क्स आ गए हैं और अब तो और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो के बीच में और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम कुक होने देंगे। कवर करके रख देंगे और इसको हम अच्छे से कुक होने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। और ये देखिए तकरीबन 10 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। और ये देखिए आप देख रहे हैं चिकन ने जो है एकदम से हड्डी भी छोड़ दी है, इसका मतलब और चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब जो अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी भी है तो उसको फ्लेम को आप करिए हाई पर और हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमा घुमा के आप चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और एकदम पानी को आप ड्राई कर लीजिए। और ये देखिए ये आप देख रहे हैं पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे, इसमें मैंने मलाई का यूज़ किया है, मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, एकदम से रिच और क्रीमी सा बनता है ये। तो हाई फ्लेम पर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रीम को भी, इस तरह से एकदम से इसको चलाते हुए आप फ्राई करिए, इसको छोड़िए नहीं वरना जो हमने मलाई डाली है ना इसमें मलाई या क्रीम जो भी आप यूज़ करेंगे वो फट सकती है। और अब इसको हम कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन से 2 मिनट के लिए। और ये देखिए 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, चिकन हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये वाइट चिकन तंदूरी हमारा बना है। ये देखिए आप देख रहे हैं एकदम टेंडर भी हो गया है और इसमें कलर भी आ गया। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। और ये देखिए आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त चिकन तंदूरी बनके हमारा तैयार हुआ है, कितने कम सामान से और कितना ज़बरदस्त एकदम क्रीमी सा बटरली सा चिकन तंदूरी हमारा बन गया है। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है और ये फटाफट बन जाता है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट बॉक्स में शेयर करें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।